जिले के सौर बाजार प्रखंड के सहुरिया पश्चिमी पंचायत स्थित धमसेना गांव में बना पंचायत सरकार भवन का जायजा लेने पहुंची प्रखंड विकास पदाधिकारी सोनिया डंडनिया और सहुरिया पश्चिमी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अनिमेश कुमार यादव ने पंचायत सरकार भवन का जायजा लिया, जिसमें पंचायत सरकार भवन में कई तरह की खामियां देखने को मिली। पंचायत सरकार भवन चालू होने से पहले जर्जर हालत में दिखी। प्रखंड विकास पदाधिकारी सोनिया ढंडनिया ने बताया कि डीडीसी साहब के आदेश पर हम लोग पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण करने आए हैं, जिसमें कई तरह की खामियां पाई गई है। उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द पंचायत सरकार भवन चालू कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। वहीं वीडियो ने बताया कि भवन निर्माण में कई तरह की खामियां पाई गई है। उसके अनुसार तो ये लग रहा है कि इन्होंने जो दीवार बनाया है उसके साइड साइड सारी मिट्टी कटी हुई है, तो वो सबसे मेन अभी है कि बाउंड्री चारों तरफ डैमेज हमको लग रहा है। प्लस मुखिया जी बोल रहे हैं कि छू रहा है, क्योंकि हम लोग अंदर नहीं जा पाए, तो हो सकता है कि ये पूरा छत भी छू रहा हो, कहीं खिड़की नहीं देखे हैं और वायरिंग भी अभी अधूरी है, तो मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है अभी, इसको और थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। मैम, बंद होने के बाद कई तरह के कामकाज जो है वो बाधित है, ऐसे में कैसे इसको चालू? कोशिश करते हैं इसको शुरू करवाने का। अभी डीडीसी सर आदेश दिए हैं कि जाके अभी चेक करके आओ, तो वही चेक करने के लिए आए थे, अभी उनको रिपोर्ट सबमिट करवा देते हैं और सर बोले हैं कि हम जल्दी से जल्दी इसको शुरू करवाने का प्रयास करें।